हाँ हाँ मुझे पता है इस बार। जी मैडम बताएं आपको क्या दिखाऊं? ये देखो ये कैसा है? नहीं तुम्हें पता तो है इस बार मुझे कुछ खास पहनना है। हाँ हाँ मुझे पता है इस बार तुम्हारे राय साहब अपने भाई की शादी अटेंड करने आ रहे हैं। अच्छा ये देखो ये कैसा है? अरे मैडम ये ठीक लग रहा है आप पे। क्या खाक अच्छा है यहाँ? कितना फीका लग रहा है मुझ पे। मैडम ये सूट आप पे बहुत अच्छा लग रहा है, खिल रही है इसमें आप। तो जरा उन पर लगा कर दिखाएं, अच्छा लगे तो मैं खरीदूंगी। नहीं मैडम ऐसी बात नहीं है, ये देखें जरा आप ही देखें मैडम कितनी प्यारी लग रही है ये। ना फीका लग रहा है। आप कुछ और दिखाएं ना। देखें देखें कुछ बहुत आप सिलेक्ट करें। मेरा कैसा है? अच्छा तो है ना? अच्छा है ना? मैडम बहुत हसीन लग रही है इसमें आप। हसीन तो मैं हूँ। इसका दुपट्टा दिखाएं ना। ये है कितने का? मैडम पहले पसंद तो कर ले, कीमत भी हो जाएगी। बहुत प्यारा है। वाह। ये लगा के देखिए आप। कैसी लग रही हो? बहुत प्यारी। अच्छा है ना? भाई ये है कितने का? सिर्फ 10,000। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 5,000 ही हैं। अरे मैडम क्या बात कर रही हैं आप? इतने का तो होलसेल में भी नहीं पड़ता है ना? अच्छा मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही हैं। हम फिर किसी और दुकान से ले लेंगे। थैंक यू। आपको ये पसंद है ना? हाँ लेकिन बहुत महंगा है। देखिए अगर आपको पसंद है ना तो ऐसा करें आप ले लें। देखिए मैडम ये सिर्फ आपको 5,000 रुपए का दे रहा हूँ। पक्का? मैडम आप पे इतना प्यारा लग रहा है और आप पहनेंगी तो इसमें खिल उठेंगी। ओके मैं आपको अभी दे देती हूँ 5,000 रुपए। तुम वाकई इतना भारी दुल्हन वाला जोड़ा सुहेल भाई की शादी में पहनोगी? पागल हो क्या? दुल्हन वाला और जोड़ा हमेशा उसी का होता है जो उसे पहन ले। क्या बेकार की लॉजिक है। हाँ तो आज ही अम्मी जी कह रही थी कि जो चीज दस्तरस में हो उसकी ख्वाहिश कर लेनी चाहिए। तो राय की ख्वाहिश तुमने क्या सोच कर की है? वो मेरी ख्वाहिश नहीं है। फिर वो तो मेरी मोहब्बत है। संभल कर है ना, एक तरफा मोहब्बत इंसान को ख्वार करा देती है। मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम्हें तो ये भी नहीं लगता होगा कि ये जो दुकान वाले ने तुम्हें 10,000 का जोड़ा 5,000 में दिया है वो उसकी अच्छाई नहीं ठरक थी। तुम पागल हो। देखा नहीं था कैसे लहक लहक कर तारीफें कर रहा था? आंखें नहीं देखी थी तुमने उसकी? हाँ तो क्या, लोग लड़कियों की तारीफें जब ही करते हैं जब उन पर बुरी नजर होती है। लोग दूसरी लड़कियों की तारीफें इसलिए करते होंगे ताकि उन पर बुरी नजर डाल सके। मेरी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि मैं खूबसूरत हूँ। बताओ सच नहीं है क्या ये बात? तुम बेशक खूबसूरत हो मगर मुझ में इतनी अकल है कि मैं लोगों की अच्छी और बुरी नजर को पहचान सकूं। जब तुम इतनी खूबसूरत इतनी परफेक्ट हो कि किसी राय या मशवरे की जरूरत नहीं तो मुझे क्यों लेकर जाती हो साथ? ताकि मुझे बुरी नजर ना लगे ना। देख लूंगी बेटा मैं तुम्हें। हाँ हाँ देख लेना लेकिन पहले मैं ये जोड़े अब्बा को दिखा दूं। पूछा भी नहीं मुझे। देख लूंगी इसको।